good. Hello friends, welcome to my channel Wanderer Devashish. आज हम घूमने जा रहे हैं बक्सा और जयंती. जयंती में मैं घूमूंगा छोटा महाकाल धाम और बड़ा महाकाल धाम. चलिए चलते हैं. आज थोड़ा लेट हो गया निकलने में. बक्सा जयंती जाने के लिए पहले आपको एंट्री पास लेना होगा और एंट्री पास आपको मिलेगा नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर में, जो कि राजा भातखाव स्टेशन के नज़दीक है. उस स्टेशन में कोई एक्सप्रेस सुपर फास्ट ट्रेन का कोई स्टॉपेज नहीं है. सो आपको अलीपुर द्वार जंक्शन या हाँसी मारा या हैमिल्टन में आपको उतरना पड़ेगा. ट्रेन का बात किया नहीं कि देखिए ट्रेन हाजिर हो गया. आपको इसी रूट से आना पड़ेगा. ये NGP2 अलीपुर द्वार जंक्शन रूट है. अगर आपको प्राइवेट कार से ट्रैवल करना है, घूमना है, तो आप अलीपुर द्वार में स्टे कर सकते हैं. अच्छा रहेगा, वहाँ से आप कार बुक करके घूम सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. आप अपने कार से भी घूम सकते हैं, जैसे हम लोग घूम रहे हैं. आप कहीं भी स्टे कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. अलीपुर द्वार, हाँसी मारा या बक्सा जयंती में बहुत सारा अच्छा होम स्टे या रिसोर्ट है, आप वहाँ आकर रुक सकते हैं. नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर आ चुके हैं. यहाँ से आपको एंट्री पास लेना होगा. ये एंट्री पास 3 दिन के लिए वैलिड होता है. आप बक्सा जयंती कहीं भी 3 दिन रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको. 3rd day 6 PM तक आपका पास वैलिड रहेगा. एंट्री फ्री है. पर हेड 120 रुपीज़ और कार का एंट्री है, फोर व्हीलर का 400 रुपीज़. कंटिन्यू फॉर 1.5 किलोमीटर्स. बक्सा टाइगर रिजर्व का एंट्री गेट आ चुका है. यहाँ से आपको एंटर करना होगा पास दिखा के. यहाँ आपके पास टिकट चेक करेंगे और आपको आगे जाने देंगे. फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि पर हेड 120 रुपीज़ और फोर व्हीलर के लिए 400 रुपीज़ इंक्लूडिंग ड्राइवर. एक्चुअली उसके साथ एक पर्सन फ्री रहता है, इसलिए मैं ड्राइव कर रहा था, इसलिए मैं फ्री हो गया और बाकी 3 जन के लिए लगा. टोटल 4 जन थे, तो टोटल लगा कार का 400 और 3% 360, तो 760 टोटल मुझे पड़ा. एंट्री करने के बाद आप कहीं भी घूम सकते हैं 3 दिन के लिए. बक्सा जयंती, ये बक्सा फॉरेस्ट है, बहुत ही घना और हरा जंगल है. बहुत ही खूबसूरत लग रहा, देखिए नज़ारा बहुत ही सुंदर है. इसके भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा, आप इसे भी चेक कर लीजिएगा प्लेलिस्ट पे. यहाँ से आप सीधा बक्सा फोर्ट, संतलाबाड़ी, लिपचका जा सकते हैं और दाएं आप जयंती जा सकते हैं. और हम लोग अभी जा रहे हैं जयंती, इसलिए हम लोग राइट टर्न लिए. बक्सा तक प्राइवेट बस भी चलती है, बहुत कम चलती है, वो आपको पता लगा कर आप आ सकते हैं बस से. व्यू देखिए कितना खूबसूरत जगह ये. जयंती जाने के लिए देखिए और एक चेक पोस्ट आ गया है, यहाँ आपका चेकिंग होगा. यहाँ से आप जिप्सी सफारी ले सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है. आप खुद का गाड़ी भी ले सकते हैं, आप बार्गेनिंग करके ले सकते हैं. जिप्सी आपको घुमाएगा महाकाल तक, साथ में गाइड भी मिलेगा आपको, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा. मेरे तरफ से आप सबको एक सलाह है, अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं तो आप वो सफारी बुक ना करें. आप जयंती नदी तक आ जाइए, फिर थोड़ा देर वेट कीजिए, देखिएगा कि अनऑफिशियली कोई जिप्सी लेकर आएंगे और आप साथ बार्गेनिंग करेंगे और आपको ले जाएंगे महाकाल तक. तो आप अपने हिसाब से बार्गेनिंग कीजिए. देखिए कितना अच्छा व्यू है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है. यहाँ आपको होम स्टे मिलेगा, आप यहाँ स्टे कर सकते हैं. फाइनली 800 में वो राजी हो गए.
और ऐसे तो आप 1200 जिप्सी और 300 गाइड 1500 लग जाएंगे अगर आप वहाँ चेक पोस्ट में अगर आप बुक करते हैं। अगर आप चेक पोस्ट से बुक करते हैं और अगर आपको बड़ा महाकाल जाना ऊपर गाइड लेकर, तो आपको 2000 से ऊपर लग जाएंगे। कुछ नहीं किया इस ड्राइवर जी से एग्रीमेंट हुआ, अगर हम महाकाल चाहते हैं तो जितना लगेगा महाकाल, बड़ा महाकाल जाने के लिए 1 घंटा पे करना पड़ेगा, पर आवर 100 रुपया। अरे आज तो चलाओ गाड़ी देखे तातरी अच्छे गाड़ी किंतु आस्ते चलते थे पाथर जनो ना जोड़े लाग। आप जयंती आइए और महाकाल जाइए, जिप्सी से बहुत ही एडवेंचरस और थ्रिलिंग आपका ये ट्रिप रहेगा, बहुत ही मजा आएगा। फ्रेंड्स, ये जिप्सी सफारी को आप स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, बहुत ही एडवेंचरस ये सफारी है। ये जिप्सी सफारी और महाकाल धाम दर्शन 3 महीने के लिए बंद रहता है, 15 सितंबर। उस टाइम बरसात का मौसम रहता है, नदी भरा रहता है, बाढ़ आता है, इसलिए कोई कनेक्टिविटी नहीं रहता है। सो आप वो 3 महीना छोड़ के आप जयंती आ सकते हैं, आप ये दिमाग में रखिएगा। जयंती से आप भुटिया बस्ती वॉच टावर, चुनिया वॉच टावर, TNG वॉच टावर जा सकते हैं, वहाँ से इस जगह का व्यू का मज़ा ले सकते हैं। देखिए कितना एडवेंचरस ट्रिप है। जयंती से आप पुखारी हिल, भूटान गेट हिल घूम के आ सकते हैं, बहुत ही अच्छा। इस बार टाइम नहीं था इसलिए जा नहीं पाए, नेक्स्ट टाइम आके वो सब जगह एक्सप्लोर करेंगे। ये देखिए एक प्राइवेट कार आया हुआ है, लेकिन ये रिक्शी आप कोई मत लाइए, आप जिप्सी से सफ़र कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी कार के लिए भी अच्छा रहेगा। हमारे जिप्सी सफारी का ड्राइवर उत्तम विश्वकर्मा जी हैं, उनके नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट करके आप ये सफारी कर सकते हैं। आप यहाँ पिकनिक करने के लिए भी आ सकते हैं, लेकिन फ्रेंड गंदगी मत फैलाइएगा, आप साफ सुथरा जगह को रखिएगा। कसम से फ्रेंड बहुत ही मज़ा आ रहा है जिप्सी में सफारी करने में, एक नया एक्सपीरियंस ले जा रहा हूँ मैं यहाँ से। वहाँ पहुँच के आप इजीली छोटा महाकाल धाम दर्शन कर सकते हैं, सामने ही है, ज़्यादा आपको ट्रैक करना नहीं पड़ेगा। एजेड पर्सन इजीली छोटा महाकाल धाम दर्शन कर सकते हैं। बड़ा महाकाल धाम दर्शन के लिए आपको फिट रहना होगा, आपको बहुत ऊपर ट्रैक करना होगा, पहाड़ में चढ़ना होगा। अरे डबल गियर और
इस ब्लॉग में हम आपको छोटा महाकाल का ही दर्शन कराएंगे और बड़ा महाकाल का दर्शन आपको मैं अलग नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, आपको नीचे से ट्रैक करके ऊपर ले जाऊंगा, दर्शन कराऊंगा। प्लीज़ उस वीडियो को भी देखिएगा, प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिएगा। जी, महाकाल पहुंच गए हैं, आप यहाँ गाड़ी रुकेगी और वहाँ से मुझे पैदल हमें जाना होगा। ये छोटा सा कुछ दुकान है, आपको यहाँ कोई खाने की टेंशन नहीं है, आप यहाँ मोमो, चाउमीन, थुप्पा, चाय पी सकते हैं, बिस्किट सब कुछ रखा है, फास्ट फूड का ये कुछ दुकान है। आप साथ में अगर पानी लाते हैं बहुत ही अच्छा है, पानी ज़रूर लाइए साथ में ही, आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगा। अगर आप बड़ा माल का धाम जाते हैं तो आपको पानी ज़रूर साथ में ले जाना है। तो चलिए हमारे साथ, हम आपको ले जाते हैं छोटा महाकाल धाम। यहाँ टेम्पररी ब्रिज है, यहाँ कोई परमानेंट ब्रिज नहीं है, हर साल ये ब्रिज बनाना पड़ता है क्योंकि बाढ़ में ये ब्रिज टूट जाता है, इसलिए उस समय ये बंद रहता है। पहाड़ से उतरा हुआ नदी का पानी बहुत ही साफ रहता है, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, आप यहाँ आके कुछ टाइम बिता सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। छोटा महाकाल दर्शन के लिए आपको थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा। ये भूटान है, आप भूटान में एंटर कर चुके हैं। आपके सुविधा के लिए ये सीढ़ी बनाया गया है। फाइनली छोटा महाकाल धाम पहुंच चुके हैं। काफी लोग आए हैं महाकाल धाम दर्शन करने के लिए। ये देखिए छोटा महाकाल धाम, भोले बाबा का दर्शन कीजिए। मूर्तिटा इन शिवलिंग टा निजे थेके होयेछे, अपने से खुद से निकला, ये ने कोई स्थापित किया यहाँ पर अपने से। शिवरात्रि के दिन बहुत ही यहाँ भीड़ होता है, छोटा महाकाल और बड़ा महाकाल में जल ढालने के लिए बहुत सारे भक्त यहाँ आते हैं। पास में ही एक झरना है, आप झरना को देख के जा सकते हैं। पानी देखिए कितना स्वच्छ है। काफी सुंदर ये झरना है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं, आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बड़ा महाकाल धाम का भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, नेक्स्ट में अपलोड करेंगे, प्लीज़ उसको भी देखिएगा, पूरा नीचे से ऊपर तक ट्रैक करके आपको दर्शन कराऊंगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को भी आप प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा। प्लीज़ फ्रेंड कमेंट करके बताइए इस वीडियो आपको कैसा लगा।